إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और नौजवान साथियों, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो नाकाम होना चाहता हो। हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब हो। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी के बाद से मौत तक हर इंसान की चाहत ये होती है कि वो कामयाब हो। मसला ये नहीं है कि इंसान कामयाब होना चाहता है या नहीं, इंतखाब ये नहीं है। इंसान का मसला यह है कि वो कामयाबी को जानता है कि नहीं जानता। आप रास्ते में किसी भी आदमी को, जो चाहे वो ठेला लेकर चल रहा हो या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, आप उसका हाथ पकड़ के रोकें, चाहे रास्ते पर हो, चौक में हो, लोकल ट्रेन में हो, एयरपोर्ट पे हो, किसी को भी आप रोक के पूछें कामयाब होना है कि नाकाम, क्या कहेगा वो? कोई आदमी ये नहीं कहेगा नाकाम होना है मुझको, कोई आदमी नहीं कहता है। यहाँ तक कि स्कूल को जाने वाला बच्चा, चाहे वो नर्सरी में हो, उसको आप पूछें पास होना है कि फेल, कामयाब होना है या नाकाम, सक्सेसफुल होना है या फेलियर, वो कहेगा कामयाब होना है मुझको। लेकिन बड़ा मसला ये है कि इंसान, हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन वाकई कामयाबी है क्या, ये कितनों को मालूम है। किसी के नज़दीक कामयाबी पैसा है, किसी के नज़दीक कामयाबी ओहदा है, किसी के नज़दीक कामयाबी शोहरत है, किसी के नज़दीक कामयाबी लज्जत है। हर इंसान के नज़दीक कामयाबी का उसका अपना बनाया हुआ तस्वूर है, उसकी अपनी डेफिनेशन है, ये कामयाबी है। सवाल यह है कि कामयाबी मैं तय करूंगा या मेरा खालिक। वाकई कामयाबी क्या है, हम अपनी अक्ल से, अपनी मालूमात से, अपने तजर्बात से, लोगों के बोलने से, समाज से, क्या हम इस इल्म की बुनियाद पर तय करेंगे वाकई कामयाबी क्या है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कामयाबियां बाद की उम्र में इंसान को बताती हैं कि वो कामयाबी नहीं थी। कुछ ही दिन पहले एक वीडियो मैंने देखा माइक टाइसन का, दुनिया का सबसे मशहूर बॉक्सर्स में से एक बड़ा बॉक्सर, लेकिन उसके जितने भी मेडल्स और जितने भी उसने जो भी नाम कमाया सब उठा के फेंक दिया उसने, कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। पूरी जिंदगी लगाया, इतना मारा, इतना मार खाया, इतनी मेहनत, कोई मामूली मेहनत नहीं करते हैं वो लोग, खाने पीने में, सोने जागने में, हर चीज में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, महीनों महीनों मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर एक फाइट उनकी होती है। ऐसे कई स्पोर्ट्स हों या दुनिया के कई मामलात हों, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसी नहीं है, कुर्बानियाँ बहुत देनी पड़ती हैं। इतना सब करके उसने इतने सारे मेडल्स हासिल किया, वो सारे टेबल पे रखे हुए थे, उसने उठा के सबको फेंक दिया, कुछ काम का नहीं है। आज वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में है, बुढ़ापे में एकदम, लेकिन इतनी सारी उम्र और इतना सब कुछ उसने अचीव किया, वो अचीवमेंट आज उसके नज़दीक अचीवमेंट नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, मैंने कुछ नहीं किया बोलता हूँ। ये एक मिसाल है,
ऐसी कई मिसालें आपको मिलेंगी, कोई बोलेगा कोई नहीं बोलेगा। दुनिया में कितने लोग हैं जंगलों में जिंदगियां गुजार दी, कितने लोग हैं बिजनेस में जिंदगी गुजार दी, कितने लोग हैं अपने अपने ख्वाब के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन अब जाके मालूम होता है नहीं ये कुछ भी है। इसलिए कि दुनिया ऐसी है, ये शराब है, ये शराब है। शराब किसको कहते हैं? रेगिस्तान में प्यास लगती लोगों को, सफर में रहते लंबा एकदम जहां देखो वहां रेत, बहुत प्यास लगती, दूर से देखते हैं कहीं पानी दिखाई देता है, झिल में दिखाई देता है, चलो पानी मिल गया, वहां पे पानी है। वो चलते 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 जब नजदीक पहुंचते हैं मालूम पड़ता है पानी नहीं है, ये पानी नहीं था। सूरज की रोशनी की वजह से, दूरी की वजह से, फासले की वजह से रेत जो चमक रही थी वो पानी की तरह दिखाई दे रहा था, हरकत की वजह से, क्योंकि लूटती है और गर्मी होती है उसकी वजह से वो हरकत इस तरह से दिखाई देती है। और जो चमक रेत की है वो रेत की चमक पानी हिल रहा है इस तरह से दिखाई देता है, उसको शराब कहते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दूर से देखने में वो पानी होता है, लेकिन करीब जाके देखते हैं तो मालूम पड़ता पानी वानी कुछ नहीं है, तो सिर्फ मिट्टी पत्थर रेत है। यही हाल हर इंसान का होता है कि अल्लाह के सिवा किसी और को जब वो मकसूद बनाता है, आखरत की बजाय वो दुनिया को मकसूद बनाता है, खालिक की बजाय वो मखलूक को मकसूद बनाता है, उसको ज़िंदगी में कभी चैन नहीं मिलता है। पाने के बाद महसूस होता है कि वो मज़ा नहीं आ रहा जो इसमें मैं सोचा था, खोखलापन होता है। अच्छे से अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छे से अच्छा मोबाइल ले लिया, अच्छे से अच्छे कपड़े ले लिए, सब कुछ लिया, चार दिन तक उसकी लज्जत होती है, उसके बाद चार दिन तक आदमी बहुत संभालता है उसको। नया मोबाइल लेने के बाद में बच्चा अगर ले गिराएगा, दो हफ्ते बाद यहां पड़ा है, कभी वहां पड़ा है, कभी उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीजों की वैल्यू उनके नएपन में है, कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, वो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। दुनिया की सारी चीजों का यह हाल है, उसमें जो इस्तेजाब है उसके नएपन की हद तक है, नयापन खत्म हो गया, खत्म। आखिरत ऐसी नहीं है। लिहाजा कामयाबी क्या है हम तय ना करें। सबसे पहली सीढ़ी कामयाबी की यह है, आदमी खुद तय ना करे कामयाबी क्या है। तुझको क्या मालूम है, तुझको क्या मालूम है कामयाबी क्या है और क्या नहीं है? अल्लाह ताला फरमाता है अला यालम मन खलक, क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? मालूम है कि मालूम अल्लाह को है, हमको नहीं। और अल्लाह ने सराहतन कहा है वल्लाहु यालम अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, हमको नहीं मालूम कामयाबी क्या है। कहां दौड़ना मालूम हमको, किसी पहाड़ पे लिखा हुआ है तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये है, कहीं है आसमान में लिखा हुआ दिखता है कहीं पे तुमको इसलिए पैदा किया गया है, नहीं है, कहीं भी नहीं है। अंबिया की जुबान से अल्लाह बताता है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, तुमको क्या करना है, उस मकसद के लिए तुम्हारे लिए क्या मुफीद है, उस मकसद में क्या रुकावट है, उस रुकावट पे कैसे तुमको काबू पाना है, कैसे उनको दूर करना है, कैसे अपने मकसद पर जमे रहना, मंजिल तुम्हारी क्या है, अल्लाह के बताए बगैर आदमी नहीं जान सकता है। और वाकई कामयाबी वो है जिसको अल्लाह कामयाबी करार दे, वाकई इनाम वो है जो अल्लाह की तरफ से हो। दुनिया के इनाम का हाल आप देखें, हाँ आदमी तो कुछ भी नहीं है। और यहां आप आज सोचिए, एक इंसान है मिसाल के तौर पर, दुनिया की बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स उसने कर लिया, बड़े मेडल लिया और नाम हुआ, बहुत सारी चीजें कमा लिया उसने, बुढ़ापे में उसकी याददाश्त चली गई, कुछ याद नहीं, मैं नोबेल प्राइज लिया, इतने सत्कार हुए मेरे, इतने पुरस्कार मिले मुझको, मैंने इतनी कुर्बानियां दिया, इतना अचीव किया, कुछ याद नहीं उसको।
आप बताइए क्या अचीव किया फिर उसने? दुनिया का ये हाल है, उसकी याददाश्त ही खत्म हो गई, क्या होगा उसका? यहां का पाना इतना हल्का है, यहां का पाना इतना कम कीमत है, उसको याद भी रखना पड़ता। अगर याद न रहे तो सब पाके भी कुछ लज्जत उसकी नहीं। असल कामयाबी वो है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी करार दे। क्या है कामयाबी अल्लाह के हिसाब से? क्या है अल्लाह के नज़दीक कामयाबी? क्या है? अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया इसको, जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी, कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। शुरुआत यहां से हो रही है, ये खत्म, दुनिया की जिंदगी खत्म, मौत आने वाली है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कोई यहां हमेशा रहने वाला नहीं। फिर क्या कहा? وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تم کو تمہارا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ یہاں ملنے والا نہیں, یہ تھوڑا موڑا مل جاتا, اصل یہاں نہیں ہے۔ جو بھی تم کوشش کرو گے, نمازیں, تلاوت, جو بھی کر رہے ہو, تھوڑا بہت یہاں مل جاتا ہے۔ اصل جو بدلہ ملے گا وہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں, قیامت کے دن۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, تو قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فَقَدْ فَازَ, وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر دنیا کا کیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی, اللہ فرما رہا ہے, دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کو میراج بولتے ہیں انگلش میں, دھوکا ہے وہ, سراب ہے وہ, دھوکے کی۔ کیوں؟ کل نہیں ہے, نوٹ بندی, اچانک رات میں, ہاں ختم, کل سے چھٹی, کتنے سب کچھ ختم, کتنے بزنس, زلزلہ آ گیا سب کچھ ختم, سیلاب آ گیا سب کچھ ختم۔ زندگی کا یہ حال ہے, بلکہ آدمی چلا گیا ختم۔ یا تو دنیا میں چیزیں انسان کو چھوڑتی ہیں, یا پھر انسان چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ چھوڑنا تو ہے, چھوڑنا تو ہے۔ تو دنیا کا حال یہ ہے, کسی کو ہم بول سکتے ہیں آج میں ہوں, کل بھی رہوں گا, پکا, انشاءاللہ, پکا نہیں, کوئی گارنٹی, کے جی این, کیا سمجھ رہے آپ اس کو, کیا مطلب ہے کے جی این کا؟ کوئی گارنٹی نہیں, کوئی گارنٹی نہیں, آج ہے کل نہیں ہے, کل آج ہے ابھی تھوڑی دیر بعد نہیں۔ لیکن اس کے پار کیا؟ اس کے پار سب ختم نہیں, اس کے پار تو شروع ہے, اللہ نے شروع ہی وہاں سے کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا۔ یہ پکڑ کے چلو, تم کو یہاں سے جانا ہے, رہنا تھوڑی نہ ہے یہاں پہ تم کو۔ اور دنیا میں جو کچھ تم نے کیا, اچھا کیا, برا کیا, اس کا پورا پورا بدلہ تم کو ملنے والا ہے۔ تمہاری نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی اور تمہارا گناہ بھی بھلایا نہیں جائے گا, الا یہ کہ آدمی توبہ کر لے اللہ سے, یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ تمہارا بدلہ تم کو قیامت کے دن پورا پورا ملے گا۔ یہاں پورا نہیں مل سکتا, مل سکتا۔ ایک آدمی ایک خون کیا, کتنے پھانسی ملتی اس کو؟ ایک, اور دو کیا تو, اور ہٹلر کی طرح لاکھوں کیا تو کتنی پھانسیاں دے سکتے اس کو؟ یہاں سزا پوری نہیں مل سکتی۔ ایک آدمی دیکھا گھر جل رہا ہے, 50 لوگ اس میں جل کے مر رہے ہیں, بچانے کے لیے دوڑا اور لایا لایا لایا, کتنے لوگوں کے کیسز ہوئے ہیں اسے, ڈوب رہے ہیں لوگ اور بچانے کے لیے گئے گئے, دو چار لوگوں کو لایا اور پھر تھک گیا ہو, اور پھر گیا تو اس کے ساتھ وہ بھی گیا۔ کیا کریں گے اس کے لیے؟ دو منٹ کے لیے چپ رہیں گے, اس کا ہو گیا کام؟ اس کی عزت میں دو منٹ چپ رہ کے تمہارے چپ رہنے سے وہ آنے والا, اس کا انعام کون دے گا؟ کس کو دیں گے؟ وہ تو گیا۔ اس نے جو کچھ بھی کام کیا بہادری کا اور لوگوں کے لیے
दौड़ धूप का, वो तो मर गया, उसका इनाम दे सकते गया वो। दुनिया में ना इनाम पूरी तरह से मिल सकता है ना सजा, उसके लिए एक दिन होना चाहिए ऐसा जिसमें जिंदगी और मौत नहीं, वहां पर नेकियों का भी पूरा इनाम मिलेगा और जो आदमी मुजरिम था यहां पर उसकी सजा भी उसको पूरी मिलेगी। वह इन्नमा तुवफ्फौन उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारी उजरत पूरी पूरी तुमको क़ियामत के दिन दी जाएगी। तो उस दिन कामयाब कौन है? कहा फमन ज़ुहज़िहानिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया, वह उदखिलल जन्नत, और जन्नत में दाखिल किया गया, फ़क़द फ़ाज़, ये कामयाब हो गया। मालूम हुआ कि अल्टीमेट कामयाबी ये है। नादानी यह है कि आदमी दुनिया को जन्नत समझने लगे हैं। लज्जत का मतलब जन्नत नहीं है, जन्नत पे भी लज्जत है, दुनिया में भी है, घटिया ही है, वो आला है। दुनिया, अल्लाह ने क्या फरमाया, बल तुसिरून अलहयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। यह आयत हमेशा याद रखना चाहिए, करवटों पे है। बल तुसिरून अलहयात दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया को प्रेफरेंस देते हो, ज्यादा अहमियत देते हो, दुनिया को ज्यादा अहमियत देते हो। उसकी अलामत क्या है? आदमी आखिरत की के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दे, दुनिया के फायदे के लिए आखिरत को कुर्बान कर दे, हाजत के लिए मकसद को कुर्बान कर दे, उसने दुनिया को तरजीह दी। बल तुसिरून अलहयात दुनिया, लेकिन क्या कहा, वल आखिरतु खैरुन व अबका, हाँ लेकिन आखिरत ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बाकी रहने वाली है। दो बातें आखिरत के बारे में हैं जो दुनिया से अलग है। दुनिया और आखिरत को रखा जाए सामने, तोला जाए, तो क्या कहा, खैरुन व अबका। तो दुनिया घटिया है, आखिरत से मुराद आखिरत की नेमतें ज्यादा बेहतर है, कोई दोनों का मुवाजना ही नहीं। यहाँ की बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ का कसूर यह है कि आदमी एक वक्त के बाद उससे उकता जाता है। नहीं, कुछ भी लाओ आप, कोई एक चीज़ बताओ जिससे नहीं उकता था आदमी। आला से आला चीज़ एक वक्त के बाद मूड खराब हो जाता, नहीं मज़ा नहीं इसमें। इसका कसूर यह है, आखिरत ऐसी नहीं है। आखिरत में कभी आदमी बोर नहीं होगा। बाद लोग पूछते ना, खाएंगे खाएंगे खाएंगे, बोर नहीं होंगे क्या? जन्नत में बोर नहीं होंगे। ला यमस्सुना फीहा नसबुन वला यमस्सुना फीहा मिन लुगूब। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या फरमाया, जन्नती शुक्र करेंगे अल्लाह का, ऐसी जन्नत में अल्लाह डाला हमको जिसमें हमको थकन भी नहीं और यहाँ पर बोर्डम भी नहीं। लुगूब किसको कहते हैं? बोर होने को, खेल कूद के, दौड़ धूप के, यहाँ वहाँ घूम फिर के थकेंगे भी नहीं और सब एंजॉय करके बोर भी नहीं होंगे। बोर्डम बहुत बड़ी मुसीबत है कि इंसान दुनिया में, आदमी आप देखिए सब कुछ पा लेता है, उसके बाद बोर हो जाता है, वो बहुत बड़ा मसला है। इसीलिए वहाँ से आते फिर हाँ कुछ भी पहन के घूमते, बड़े बड़े जुब्बे आप देखिए पूना में ही है। बड़ा इंजीनियर होगा, साइंटिस्ट होगा, सब कुछ उसके पूरा कमाया, पूरी दुनिया को, मन की शांति नहीं है। तो फिर आदमी क्या करता है, उल्टा पुल्टा कुछ भी करता है, उसको मालूम ही नहीं अल्लाह कौन है, उसको मालूम नहीं वाकई दीन क्या है। फिर वो नाचता गाता कूदता कुछ भी करता, ढोल बजाता, कुछ उसको सुकून चाहिए, वो एंजॉयमेंट को हैप्पीनेस समझने लगता है। दोनों में फर्क है, एंजॉय करना अलग चीज़ है, खुशी और सुकून एक अलग चीज़ है, दुनिया की चीज़ों में नहीं है। तो पहला कसूर दुनिया का ये है कि क्या है, नाकिस है, आखिरत आला है। दो, दुनिया ठीक है जैसी भी है बेचारी, लेकिन ये ख़त्म भी होने वाली है। दूसरा कसूर इसका क्या है, बाकी रहने वाली नहीं है। यहाँ की चीज़ों को आप रखो,
फलों को रखो, दूध को रखो, मिठाई को रखो, खाने को रखो, क्या होता थोड़ी देर के बाद कोई ले गया था, बहुत पुराना है, लो आपको लाया खाने के लिए, कोई ऐसा करता नहीं, सड़ा वाले क्या बदबू आ रही उसमें से, अरे बहुत अच्छा बहुत मोहब्बत से बनाया था, भूल गया था ना, दो दिन हो गए तुम्हारे से संभाल के रखा हूँ, खाओ, खाता खाता उसको क्या बोलता, खाता क्या अभी तुझ, ये तो खाएगा, गुस्सा होता उसके ऊपर। यहाँ की चीजें अगर उनको रख भी दिया जाए खराब हो जाती, वो वहां की चीजें कभी खराब नहीं होगी, वहां का दूध फटेगा नहीं, वहां के पानी में बदबू पैदा नहीं होगी, वहां की जितनी नेमतें वहां के फल सड़ेंगे नहीं, वहां आदमी के लिए बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, नाक में से गंदगी नहीं, थूक बलगम नहीं, पेशाब नहीं, पाखाना नहीं, कोई गंदगी वहां पर नहीं है, कोई ऐब नहीं वहां पर, खूबसूरती कोई बदसूरत नहीं वहां पे, जन्नत में कोई बदसूरत नहीं, बिल्कुल चांद की तरह वो लोग चेहरे उनके रोशन होंगे, खूबसूरत एकदम, वो भी खूबसूरत, बीवियां भी खूबसूरत, और बाहर से भी अच्छे अंदर से भी अच्छे। وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت دشمنی ناراضگی خلش رہا کرتی تھی دنیا میں وہ بھی ہم نکال دیں گے۔ اچھے لوگوں میں بھی تو جھگڑا ہوتا نا، نہیں ہوتا، رہتا ہے اختلاف، انسان ہے، انسانوں میں اچھے بھی ہونے کے باوجود آپس میں تناؤ کسی وجہ سے ہوتا، کبھی دین کی وجہ سے، کبھی دنیا کی وجہ سے، کبھی غلط فہمی کی وجہ سے، کبھی غلطی کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلْ، ان کی دلوں میں تھوڑی بہت جو کھوٹ تھی ایک دوسرے کے لیے اس کو بھی ہم ہٹا دیں گے، ناراضگی خلش جو بھی تھا نکال دیں گے، اخواناً بھائی بن جائیں گے واپس میں ایک دوسرے کے، کیسے بھائی، عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، آمنے سامنے بالکل گدوں پہ بیٹھے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، مطلب دوست بن جائیں گے، آپس میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، میموریز باقی رہیں گی وہاں پہ، دنیا کی یادداشت وہاں رہے گی۔ وہ اچیومنٹ کیا جس میں محنت کی یاد نہ ہو، آپ بتائیے کیوں مل رہا معلوم نہیں ہم کو، ایسا یہ اچھا کہ میں نے بہت محنت کی اس کے بدلے ملا، جنت میں کیا کہا جائے گا، جزا ام بما کانو یعملون، یہ بدلہ ہیں جو کچھ عمل تم کرتے تھے نا دنیا میں اس کا بدلہ ہے، ان کو ریمائنڈ کیا جائے گا تمہارے عمل کے بدلے تم کو مل رہا ہے، ان کو یاد رہے گا ہم نے دنیا میں کیا تکلیفیں اٹھائیں، اسی لیے تو کہیں گے ساری تھکن تکلیف دور کر دی اللہ نے ہم سے، معلوم تھا دنیا میں بہت تکلیف اٹھا کے آئے، تو قربانیوں کے بعد انعام کی لذت ڈبل ہو جاتی، یوں ہی انعام ملتا اور قربانی یاد نہیں رہے تو وہ مزہ نہیں آتا، قربانی کے ساتھ جب انعام ملتا ہے کہ اس کے بدلے ملا ہے اور پھر وہ یاد رہتا کتنی تکلیف اٹھایا، پھر جو خوشی ہوتی انسان کو وہ زیادہ خوشی ہوتی ہے، بھائی دن بھر بھکا رہیں اور اس کے بعد شام میں افطار کی تو زیادہ مزہ آتا کہ دن بھر کھاتے پیتے رہے، آدمی کو جب یاد رہتا ہے، احساس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد جب لذت ملتی ہے اس کی لذت اور بڑھ جاتی ہے، کامیابی یہ ہے، اور آخرت دنیا سے بہتر ہے، وہ بہتر بھی ہے باقی بھی رہنے والی ہے، کتنی باقی رہنے والی، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، اور کبھی تھکیں گے نہیں، کبھی بور نہیں ہوں گے، کبھی چھینی نہیں جائے گی۔ چلو نکلو جنت سے باہر تھوڑا، ہاں یہاں مینٹیننس چل رہا ہوگا، ایسا کبھی نہیں، لا یبغون عنہا حولا، جنتی تھوڑی دیر کے لیے بھی جنت سے ہٹنا پسند نہیں کریں گے، نہ ہٹائے جائیں گے وہاں سے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے، ہر قسم کی نعمت وہاں پہ ہوگی، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے جنت میں وہ جو چاہیں گے سب ملے گا، ہمارے پاس اور زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جو چاہیں گے سب ملے گا، اور ہمارے پاس اور زیادہ ہے، ولدینا مزید، معلوم ہے کہ انسان کی چاہتیں اتنی نہیں ہو سکتی، اللہ کے پاس دینے کے لیے اتنا ہے، کیا مانگتا مانگ بولے تو آپ دیکھیں آپ ہی اس کی لیول رہتا اس کا بھی ایک،
इंसान का उतना लेवल नहीं है कि वो उतना मांगे जितना अल्लाह दे सकता है। अल्लाह के पास देने के लिए ज़्यादा है। इसका इमेजिनेशन, इसकी तलब, इसकी चाहत कितनी भी ऊपर चली जाए, कुछ भी नहीं है वो, अल्लाह के पास उससे बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के पास इसके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। वहाँ जन्नत में फल होंगे, अब बात लंबी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें, आदमी जन्नत में उनको फल ला के देंगे, खाएंगे, थोड़ी देर के बाद वापस फल ला के देंगे, बोलेंगे आप भी खाए ना। सूरह बकरा में आप शुरू ही में पढ़ेंगे इसको, कुल्लमा रुज़िकु मिन्हा मिन थमरतिन मिन रिज़्क़िन इल्ला, क्या कहेंगे, हाज़िही रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। जब भी उनको कुछ ला के दिया जाएगा, अभी तो खाए ना हमने, बोलेंगे नहीं ये अलग है। तो देखने में वैसे ही होगा लेकिन टेस्ट चेंज हो जाएगा उसका। अगर आपको ऐसा आम खिलाया जाए जो जाम की तरह लगता है, ऐसा जाम जो आम की तरह लगता है, और वो सरप्राइज में और मज़ा आता है कि देखने में तो ऐसा है जाम की तरह लेकिन टेस्ट उसका कैसा है, आम की तरह। तो उनको इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों करेगा, क्यों करेगा? ये दुनिया में बहुत तकलीफ उठा के आए हैं, ये दुनिया में सब्र करके आए हैं, ये दुनिया में अल्लाह की खातिर कुर्बानियाँ देकर आए हैं। इन्होंने अपनी चाहतों को कुर्बान किया रब्बुल आलमीन की वजह से, रब्बुल आलमीन उनकी चाहतों को पूरा करेगा। तुम मेरी वजह से चाहत छोड़े ना अपनी, अब मैं तुम्हारी चाहत पूरी करूँगा और तुम्हारी चाहत से ज़्यादा दूंगा तुमको। अल्लाह ताला किसी की नेकी को बर्बाद नहीं करता है, अल्लाह किसी की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं करता है। अल्लाह के लिए बंदा छोड़े तो सही कुछ, शराब, जुआ, चोरी, झूठ, धोखा, खयानत, अल्लाह के लिए छोड़े तो सही, अल्लाह इससे ज़्यादा बेहतर उसको देने के लिए तैयार है। अल्लाह के पास है उतना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और हदीस कुदसी है, सारे बंदे मिलकर एक मैदान में जमा हो जाएं, इंसान, जिन, पहले से लेके आखिरी तक इंसान, पहले से लेके आखिरी तक जिन, सब के सब एक साथ मांग रहे, अलग अलग लाइन लगा के मांगे तो एक बात रहती, एक साथ मांगे तो कैसा होता, माँ को चार बच्चे मांगे तो कैसा होता एक साथ, अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे बंदे मिलके एक साथ अल्लाह से मांगे, क्या मांगे, अपने दिल की हाइएस्ट तमन्ना जो चाहिए वो मांगे, और अल्लाह ताला उन सबको वो दे दे, जो मांगा वो दे दे, सबको दे दे, तब भी अल्लाह के ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं होगी जितनी समंदर में सुई के डुबोने से होती है। हदीस है ये, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम में जिन व इंस अगले पिछले सब के सब एक मैदान में जमा हो जाएं और सब के सब मुझसे वो मांगे जो उनकी चाहत है और मैं वो दे भी दूँ, तब भी मेरे ख़जाने में इतनी कमी नहीं होगी जितना समंदर में सुई के डुबोने से होती है। ये भी समझाने को बोला, वरना वो भी नहीं है। अल्लाह के पास कमी कैसा होगी, लिमिटेड है, जो चाहे अल्लाह पैदा कर दे। मखलूकात कितनी पैदा कर दी है, रुक रहे इंडिया देखिए नंबर एक पे आ रहा, अब पॉपुलेशन में हाँ नंबर एक पे आ रहा, हम लोग एक नंबर हो गए अभी, हाँ अब लोग समझ रहे मुसलमानों की वजह से हो रहा है ऐसा। अल्लाह के पास कोई कमी नहीं है, अल्लाह जो चाहे दे सकता है, जितना चाहे दे सकता है। बंदा अल्लाह की खातिर छोड़ने वाला बने उन चीज़ों को जो अल्लाह को पसंद नहीं है, तो अल्लाह के लिए उन चीज़ों को छोड़ जो तुझको पसंद है लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह तुझको कयामत के दिन वो देगा जो तुझको पसंद है और तेरी पसंद से आला भी देगा। हल जज़ा उल एहसानी इल्ला अल एहसान, हल जज़ा उल एहसानी इल्ला, भलाई का बदला भलाई किसी और क्या हो सकता है। तूने अल्लाह की खातिर चाहतों को कुर्बान किया, अल्लाह तेरी चाहतों का मान रखेगा वहाँ पे, तुझको तेरी चाहत के मुताबिक देगा। इसलिए कुरान में अल्लाह ने कहा लहुम मा यशाऊन फीहा, लेकिन सिर्फ इतना होता तो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि तेरी चाहत तेरी औकात के हिसाब से, जितना आदमी को मालूम है उतना ही मांगेगा आदमी। एक फ़कीर को कोई आदमी मालदार करोड़पति आदमी क्या चाहिए बोल, अरे 100 रुपये का एक नोट मिलेगा, उसकी परवाज़ कितनी है,
100 रुपए का नोट कोई देता नहीं भाई, 2000 का दिया तो बहुत खुश है, लेकिन अब चलने वाला कुछ वक्त के बाद, तो उसकी परवाह उतनी है। लेकिन वो करोड़पति उसको चाहे ज्यादा दे सकता था, बस इतना ही, तो बस इतना साहब क्या करेगा, उन्हें खाऊंगा कुछ लेके, उसकी औकात उतनी ही है, देने वाले के पास ज्यादा है, लेकिन इसका लेवल ही नहीं मांगने का, हमारा लेवल है ही नहीं उतना मांगने का, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कितना हो सकता है, हम ज्यादा से ज्यादा भी सोचें तो नीचे ही हो, अल्लाह के पास इतना है। इसीलिए हम अल्लाह के हवाले करते हैं, अल्लाह तू अपने हिसाब से हमको दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना दे सके, इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा, जितना चाहेंगे वो तो मिलेगा ही, वरना ये भी नहीं बोले मेरी चाहत पूरी नहीं हो रही, वहां जाके किसान चाहत करे, अल्लाह मेरा दिल बोल रहा मेरे को खेती करना है, क्या खेती करता था, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वहां जाके उसकी चाहत होगी, भाई मेरे को तो खेती करना है जन्नत में, सब तो है यहाँ पे खाने के लिए, क्या कम है यहाँ पे, नहीं लेकिन मेरी आदत थी दुनिया में, मैं खेती करता था, यहाँ भी मेरे को खेती करना है, ठीक है कर, बीज डालेगा जर 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 पूरा बीज जाएगा, पूरी खेती उठ जाएगी, कट के पूरी रेडी हो जाएगी, उसको देख हाँ मेरी खेती, खेत वालों को मालूम है कैसा लगता है खेती देख के, तो उसको देख के खुशी होगी, मेरी खेती है ये सब कुछ, अल्लाह वो चाहत भी पूरी करेगा, ये नहीं कहेगा ये सब बकवास है, ये सब बंद करो, यहाँ सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, खराब मत करो इसको, नहीं ये मेरा बंदा है, इसने अपनी चाहतें मेरी खातिर कुर्बान की है, अब ये जन्नत में है, अब इसकी चाहत पूरे करने का वक्त है, अल्लाह उसकी चाहत ऐसी चाहतें भी पूरी करेगा, इसको हम बोल सकते हैं कि क्या जरूरत है इसकी, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक वो बंदा कीमती है, वो ईमान वाला है, इसीलिए सबसे पहली चीज़ ये कि आदमी अल्लाह की कदर करे, वमा क़दरुल्लाह हक़ क़दरिही, अल्लाह ताला फरमाता है उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी, आदमी को पैसे की कदर है, हाँ अपने कपड़ों की कदर है, मोबाइल की कदर है, इसकी कदर उसकी कदर सब की कदर है आदमी को, अल्लाह की, अल्लाह के हुक्म की, अल्लाह के दीन की, आखिरत की, जन्नत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी सुन्नतों की, हमारी ज़िंदगी में कितनी कदर है, ये चीज़ें हैं जिनकी कदर करने से हम अल्लाह के यहाँ काबिल कदर बनते हैं, अगर इसकी कदर नहीं है तो हमारी भी कोई कदर नहीं है, और यही वजह है कि आज दुनिया में ज़िल्लत के दरवाज़े हमारे लिए खुल रहे हैं, क्यों, इसलिए कि आदमी अल्लाह रसूल आखिरत दीन कुरान इसकी नाकदरी करके दुनिया की कदर में लग गया, अल्लाह ने उसी के हवाले कर दिया। एक ज़माना था मुसलमान ऊँटनी का दूध पीता था, खजूरें खाता था, और उसकी ऊँट की टापों में हुकूमतें थीं, लोगों के बड़े बड़े बादशाहों के ताज गिरे रहते थे, लेकिन आज ये दूसरों की जूतियों में गिरा हुआ है, क्यों, इसलिए कि इसने अल्लाह के आगे अपने आप को झुकाया नहीं, ये अल्लाह का नहीं बना, अल्लाह ने लोगों के लिए उसको उनके हाथों में दे दिया, आज मुसलमानों का यह हाल है। तो कामयाबी क्या है, कामयाबी है कि आदमी जहन्नम से बच जाए और जन्नत उसको मिल जाए, असल ये कामयाबी है। दुनिया की कामयाबियाँ आज ऐसा है तो कल ऐसा है, आज सेहतमंद है कल बीमार, आज मालदार है कल गरीब, आज इज्जत है कल जिल्लत, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, आज बादशाह हैं कल को फकीर, आप देखिए सियासतदानों का हाल आप देखिए, बादशाहों का हाल देखिए, आज है कल कुछ भी नहीं, आज तख्त पर बैठा हुआ है कल जेल में, कुछ भी हो सकता है, हालात बदलते देर नहीं लगती है, लिहाजा इन हालात में एक इंसान अपने अंदर के हालात को सही कर ले, अपने ईमान को सही कर ले, अपने ताल्लुक को अल्लाह के साथ सही कर ले, ये कामयाबी की शुरुआत है, ये असल कामयाबी जिसको आदमी को याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, मुत्तकीन अल्लाह से डरने वाले, गुनाहों से बचने वाले, अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचने वाले, फी मकामिन अमीन, एक ऐसे मकाम पर होंगे, एक ऐसी जगह में होंगे जिसमें वो अमन अमान से रहेंगे। आप देखिए सबसे पहली चीज़ क्या बताइए अल्लाह ने, अमीन, अमन से रहेंगे वो,
सब कुछ इंसान के पास हो लेकिन पीस ऑफ माइंड आदमी को नहीं हो, क्या फायदा? आदमी को सिक्योरिटी महसूस अंदर से हो, ये सबसे बड़ी नेमत है दुनिया में। तो कहा कि जन्नती मुत्तकीन एक ऐसे मकाम पर होंगे, कैसी जगह में उनको बसाया जाएगा जो कैसी होगी, अमन अमान वाली होगी। कोई किसी का दुश्मन नहीं जन्नत में, कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी के खिलाफ साजिश करने वाला नहीं, कोई किसी को तकलीफ देने वाला नहीं, न जुबान से, न हाथ से, न किसी एतबार से। फी जन्नत इन वायून, बागों में होंगे, चश्मों के दरमियान होंगे, चश्मे जमीन से जो पानी निकलता है, स्प्रिंग जिसको कहते हैं, अयून। यलबसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन, नर्म रेशम के और मोटे रेशम के, दबीज रेशम के लिबास पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे। क्या काम है वहां पे? चलो जॉब पे जाना है, कुछ है वहां पे? हाँ, कुछ कमाओ, बैठे रह गए ऐसा टाइम पास मत करो, कुछ कमाओ पैसा, बुढ़ापे में काम आएगा रिटायर होने के बाद। काय का रिटायर वहां पे? कोई रिटायर्ड होने वाला नहीं जन्नत के अंदर, हमेशा के लिए वो फ्री है वहां पे, आराम से बैठेंगे, आमने सामने बैठ के बातें करेंगे, गप्पे गपशप करेंगे, फजूल बात कोई नहीं करेगा, बेहुदा बात कोई नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं, दिल दुखाने वाली बात नहीं, किसी की बेइज्जती नहीं, कुछ नहीं वहाँ पे, मोहब्बत से सब एक दूसरे का ख्याल रख के रहेंगे। कदालिक वज़वजनाहुम बिहूरिन ईन, और हम उनका निकाह कर देंगे हूर ईन से, बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें, बीवियाँ उनकी होंगी, दुनिया की बीवी उनके साथ होगी वहाँ पे। हाँ, कुछ लोग बोले आया वहाँ भी अल्लाह ताला जैसे इसको सुधारेगा उसको भी सुधारेगा, वहाँ पे अच्छे होंगे लोग, कोई किसी के लिए बुरा चाहने वाला नहीं होगा, और आपस में मोहब्बत करने वाले होंगे। तो बीवी शोहर भी जो जन्नत में जाएंगे वो भी एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे से वाकई मोहब्बत करने वाले होंगे, अच्छी मोहब्बत करने वाले होंगे यहाँ से भी ज़्यादा। तो कहा कि वह कदालिक वज़वजनाहुम, उनका जोड़ा हम बना देंगे हूर ईन के साथ में, और उसके अलावा भी बीवियाँ उनको मिलेंगी। यदऊना फीहा बिकुल्ली फाकिहतिन आमिनीन, जो फल चाहेंगे मांगेंगे और अमन अमान के साथ वहाँ पर जिंदगी गुजारेंगे। आमिनीन, कोई डर नहीं होगा उनको, अल्लाह ताला नाराज़ तो, डर नहीं होगा उनको, यहाँ से निकाला तो नहीं जाएगा हमको, डर नहीं होगा उनको, कोई कमी तो नहीं होगी यहाँ पे, रिसेशन तो नहीं आएगा, हाँ इन्फ्लेशन तो नहीं होगा, कुछ मसला तो नहीं होगा, कुछ डर उनको नहीं होगा, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। आमिनीन, एकदम अमन अमान से रहेंगे, सिक्योर्ड रहेंगे वहाँ पे, पीस से रहेंगे। ला यदुकूना फीहल मौत इल्लल मौतत अल उला ववकाहुम अज़ाब अल जहीम, अल्लाह ताला फरमाता है एक बार जो उन्होंने मौत का मज़ा चखा था ना, उसके बाद अब वापस से उनको मौत आने वाली नहीं, और उन्हें अल्लाह ताला वकाहुम, अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम के झुलसा देने वाले अजाब से भी बचा लेगा। एक बार मौत आई, अब वापस मौत नहीं, खत्म, और कोई डर नहीं। जन्नतियों से अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ जन्नतियों, लब्बैक सादिक, क्या तुम खुश हो? हाँ राजी। और कुछ चाहिए? अल्लाह ताला और क्या चाहिए, तो हमारे चेहरे रोशन कर दिया, हमको जन्नत में बसा दिया, इतनी सारी नेमतें हमको अता की तूने, और हमको क्या चाहिए, सब है हमारे पास। कहेगा तुमको एक और चीज़ मैं देता हूँ जिससे पहले, यानी इस सबसे बड़ी चीज़ है, एक चीज़ देता हूँ तुमको, क्या? अल्लाह ताला फरमाएगा, आज मैं तुमसे राज़ी हो गया, इसके बाद मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हूँ, इसके बाद मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं, हमेशा के लिए रजामंदी अल्लाह ताला फैसला कर देगा, अब कभी नाराज़ नहीं। दुनिया में क्या होता है, एक आदमी खुश है अपने से, कुछ ऐसा हो जाता नाराज़ भी होता हो, अल्लाह ताला वहाँ ऐलान कर देगा, इसके बाद जो जी में आए करो, कभी नाराज़ नहीं। दुनिया में आदमी आज नेक है, कल कुछ गलती हो सकती, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। यहाँ फितना है, यहाँ आजमाइश है, यहाँ गलती के इम्कानात हैं। आज आदमी ईमान पे है, अल्लाह ना करे कल कुफर में जा सकता है। कितने लोग जा रहे हैं, कोई दुनिया की वजह से, कोई लड़की की वजह से, कोई किसी और वजह से।
दुनिया में आदमी फितनों में है, कल क्या होगा मालूम नहीं, आज अल्लाह राजी कल नाराज हो जाए। जन्नत में नहीं ऐसा, जन्नत में जाने के बाद कुछ ऐसा हो गया कि अल्लाह नाराज हो गया, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला कहेगा इसके बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। अल्लाह ताला हमेशगी के लिए रजामंदी अपनी उनको दे देगा, हमेशा के लिए अमन अमान उनके लिए होगा, कभी खतरा उनके लिए नहीं होगा कि अब अल्लाह नाराज होगा हमसे। ये बहुत बड़ी यानी वरिद्वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है अल्लाह की तरफ से रजामंदी का ऐलान सबसे बड़ी चीज है। सारी नेमतें जन्नत की एक तरफ और अल्लाह का उससे राजी हो जाना, बादशाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात का खालिक व मालिक व रब, इतना बड़ा पाक व मुकद्दस ज़ात, वो इतना रहीम रब्बुल आलमीन, क्या हैसियत है इसकी, बंदे की क्या हैसियत है, इतना बड़ा बादशाह उससे राजी हो रहा है। दुनिया में इतबार से हो सकता है उसकी कोई वैल्यू ना हो, लेकिन अल्लाह के यहां उसकी कदर है। क्यों? उसके ईमान की वजह से, उसके ईमान की वजह से अल्लाह ताला उससे राजी होगा। ये जो नेमत है ये असल है, ये नेमत असल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे राजी हो। अल्लाह ने फरमाया फ़ज़लम मिन रब्बिका ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये सारी नेमतें गिना के अल्लाह क्या फरमाता है, ये तेरे रब की तरफ से फजल है, ये तेरे रब का क्या है, फजल है, अल्लाह की अता है। और कहा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है, ये क्या है, सबसे बड़ी कामयाबी। दुनिया में ये मिला वो मिला वो मिला, ये कामयाबी नहीं है, ये टेम्पररी, वो इम्तहान है। दुनिया में जो भी मिला इंसान को या नहीं भी मिला, ये क्या है, इम्तहान है। यहाँ का मिलना कामयाबी नहीं है, यहाँ का खोना नाकामी नहीं है, यहाँ का खोना नाकामी नहीं है, यहाँ का पाना भी इम्तहान, यहाँ का खोना भी इम्तहान, यहाँ का खोना भी इम्तहान। वनबलूकुम बिश्शर वल खैर फितना, हम तुमको आजमाते हैं खैर के जरिए से भी और शर के जरिए से भी, दे के भी आजमाते हैं, नहीं दे के भी आजमाते हैं, सेहत से भी आजमाते हैं, बीमारी से भी आजमाते हैं। यहाँ हालात इंसान पर अच्छे बुरे दोनों आते रहते हैं, आजमाइश है, ये इम्तहान है, वहाँ की आता असल है। इसीलिए कहा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है, यानी जन्नत का मिलना और जहन्नम से बच जाना इंसान का, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इस सूरह अद-दुखान में अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, अब देखिए कामयाबी असल क्या है, किन किन चीज़ों को कामयाबी करार दिया गया है, अंजाम के अतबार से ये कामयाबी, अब आमाल के अतबार से कामयाबी के वसाइल क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है फअम्मा मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फअसा अन यकूना मिनल मुफ्लिहीन। सूरह कसस में अल्लाह ने फरमाया कि वो शख्स जिसने तौबा की, पलट आया और ईमान ले आया, व आमना व अमिला सालिहन, और नेक अमाल करता रहा, जिसने यू टर्न लिया वापस आया, कुफर की हाँ खाई में चला जा रहा था, वो गुमराही के रास्ते पर, कुफर के शिर्क के रास्ते पे जा रहा था, एहसास हुआ गलत जा रहा, क्या किया, वापस पलटा, ताबा लौट आया। ताबा का मतलब होता है रुजू करना, लौटना, अरबी ज़ुबान में तौबा किसको कहते हैं, लौटने को कहते हैं, रिटर्न आना। जब हम गाड़ी जला रहे, जब मालूम पड़ा अरे तो गलत जा रहे हैं हम लोग, क्या करता आदमी, जाने तो जाएंगे बोलता ऐसा नहीं, बल्कि क्या करता, वापस पलटो, वापस लौट आता है। एक इंसान बाज़ औक़ात जहालत की वजह से, बुरे माहौल की वजह से, बुरी सोहबत की वजह से, शैतान की वजह से, नफ्स की वजह से, गलत फहमी की वजह से, गलत मालूमात की वजह से, एक आदमी गलत रास्ते पे निकल जाता है, कभी हालात बुरे होते हैं, कभी गुस्से में, कभी परेशानी में, गलत रास्ते पे निकल जाता है। लेकिन ईमान अगर है या एहसास उसके अंदर है, अगर उसके अंदर एहसास है, वापस लौटता है, गलत जा रहा मैं। आप देखिए एक आदमी था ना 99 कत्ल किए थे, गया एक आबिद के पास, बोले तौबा है मेरे लिए, बोले तौबा वोबा कुछ नहीं तेरे लिए, काहे की तौबा, 99 कत्ल करके तौबा करता क्या, उसको भी मार डाला उसको, गुस्से में आके 99 थे अब कितने हो गए, गुस्से में आ गया,
जिसके पास गया वो आलिम नहीं था, आबिद था, बहुत इबादत करने वाला, लेकिन कम था उसके पास, गलत जवाब दिया। नुकसान किसको हुआ? उलमा बोलते देखो जहालत का ही नुकसान, खाली बगैर इल्म के इबादत करने वालों का हाल ऐसा होता। लेकिन फिर उसको एहसास हुआ नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। उसके अंदर की जो तड़प थी वो ख़त्म नहीं हुई। फिर उसने पूछा कोई है कि जो मेरे को सही गाइड करे? बोले वो आलिम के पास जा, तेरे को बताएगा वो सही सही क्या है। गया उसके पास, हल मिन तौबा, मेरे लिए कुछ तौबा हो सकती कि नहीं हो सकती? इतने 100 कत्ल किया मैं, मर्डर्स किया मैंने इतने सारे, उसमें तेरे और तेरी तौबा के बीच में कौन आ सकता भाई? तेरे और तेरी तौबा के दरमियान कौन आ सकता है? यानी तौबा है, एक काम कर, ये इलाका अच्छा नहीं है, माहौल ख़राब है, तो क्या कर, फलां इलाके में जा, वहाँ नेक लोग रहते हैं, उनके साथ रहकर तू इबादत कर, वापस मत आना इधर। निकला, आप सभी जानते वाक़य पूरा, रास्ते ही में उसको मौत आ गई और अल्लाह ताला ने जो ज़मीन वहाँ थी हुक्म दिया तू सिमट जा, और जो यहाँ थी बुरा इलाका उसको कहा दूर हो जा। फरिश्ते आए, रहमत के भी आए, अजाब के भी आए, दोनों को कौन भेजा? वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्र रब्बिक। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? फरिश्ते कहते हैं हम तो नाज़िर होते हैं तेरे रब के हुक्म से। तो जो भी फरिश्ते आते हो किसके भेजने से आते? अपने हिसाब से आते, चलो घूम के आएंगे? फरिश्ते अल्लाह ताला के नाजिल करने से ही आते हैं। कोई फरिश्ता ला यासून अल्लाह मा अमरहुम यफअलून मा युमरून, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं। दोनों को अल्लाह ने भेजा, रहमत के भी और अजाब के भी। अल्लाह ताला फरिश्तों को भी एजुकेट करता है, फरिश्तों को भी सिखाता है। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, फरिश्ते भी बोलते हैं जो तू अल्लाह सिखाया उतना ही हमको मालूम है। रहमत के फरिश्ते भी भेजे, अजाब के भी भेजे। अजाब के बोले हम लोग लेके जाएंगे, बहुत पापी था ये, इतने सारे खून किया इसने। रहमत के फरिश्ते कहने लगे नहीं, लेकिन तौबा के लिए जा रहा था ना ये। अब दोनों में इख्तलाफ हो गया, हमको भी अल्लाह ने भेजा? बोले हमको भी तो अल्लाह ने भेजा, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। अल्लाह ने एक तीसरा फरिश्ता भेजा। फरिश्ता क्या चल रहा, बात किया उनसे, ठीक ये भी तो अल्लाह की तरफ से आया है, एक काम करो यहाँ से वहाँ तक जो जहाँ से आया है उस ज़मीन को नापो, और यहाँ से वहाँ तक जो जगह जहाँ जा रहा था अच्छे इलाके में तौबा करने के लिए तो वहाँ नापो। दोनों जगह नापी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया, जो ज़मीन बुरे इलाके वाली थी कहा तू दूर हो जा, जो करीब वाला जो अच्छा इलाका था उसको कहा तू करीब आ जा। और हदीस में ये भी है कि आखिरी वक्त में वो जो बंदा था उसने गिरते गिरते करवट ले ली, तो वो उस तरफ चला गया। किस तरफ? अच्छा इलाका। फरिश्तों ने जब मेजरमेंट किए जो भी करना था उनको, क्या निकला किसके करीब है? वो अच्छे इलाके के करीब है। उस फरिश्ते ने कहा तुम लोग लेके जाओ। कौन? रहमत के फरिश्ते, क्योंकि इस अच्छे इलाके यानी 50% से ज़्यादा निकल गया था, हाफ क्रॉस कर लिया था इसने, अभी पहुंचा नहीं है, अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर है, मंजिल की तरफ जा रहा है, रास्ते में मरा तो भी पहुंचने वालों में जमा है। अल्लाह कितना रहीम है, अभी पहुंचा नहीं, पहुंचेगा, जाके नहा नहा धो के इबादत करेगा, तौबा सब सब कुछ करेगा, पहुंचा ही नहीं अभी तक, तो रास्ते में ही मरा हो। लेकिन कहाँ की नीयत थी? वहाँ की नीयत थी, रास्ते में मरा तब भी पहुँचने वालों में जमा है वो। इसलिए इंसान हमेशा चाहे कैसे भी हालात में हो वो वापस लौट आए, अच्छा बनेगा, नेक बनेगा, मुत्तकी अल्लाह वाला परहेजगार बनेगा, अल्लाह ज़िंदगी दे तो वैसा भी बन जाएगा, अल्लाह तौफीक दे तो वैसे लेकिन लौट आए वो, मैं नहीं जाना चाहता गलत रास्ते पर, मैं सही रास्ते पर जाना चाहता, गिरते रहता पड़ते रहता, गलती होती रहती मेरे से, छोड़ूंगा नहीं अल्लाह को, मैं जैसा भी हूँ अल्लाह को छोड़ूंगा। बाज़ औक़ात क्या होता, मैं सुधर नहीं सकता, चलो अब वापस वैसे ही जाते, गलत रास्ते पे अच्छा नहीं। उस आदमी ने छोड़ा,
निन्यानवे कत्ल करने के बाद एक और बढ़ाया, हाँ एक केस और उसकी फाइल एक और हो गई, एक FIR और हो गया उसका, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर एहसास था, वो रुका नहीं, उसने बोला नहीं मेरे को सुधारना, उसने नहीं बोला निन्यानवे कत्ल हो गए एक और हो गया मेरे ऊपर, देखो ऐसा और भी हो गया तो क्या करूँ मैं, जाने दो बाबा चुप अपना जैसा जीरे वैसी चलो, नहीं किया उसने ऐसा, मेरे को सुधरना है, मेरे को अच्छा इंसान बनना है। ये जो अंदर की तड़प है ये इंसान को अच्छा बनाती है, अच्छे बनने की तड़प अच्छा बनने में मददगार है, ये तड़प कभी धीमी नहीं होना चाहिए, चराग बुझना नहीं चाहिए। देखो हम लोग सब गलती करने वाले हैं, हदीस में क्या है, कुल्लु इब्न आदम खता, आदम की औलाद सब की सब खताकार है, इनसे मिस्टेक होना ही होना है, आदम की औलाद क्या है खताकार है, लेकिन खताकारों में इनमें वखैरुल खताईन तवाबून, इन खताकारों में सबसे अच्छे कौन हैं, वापस लौटने वाले हैं, वापस लौटने वाले, तौबा करने वाले, वापस आना, चलते नहीं जाना, जान दे जा रहे भी छोड़ डाल चल जाएंगे अभी, नहीं वापस आना है, वापस आना है, जाना नहीं है उस रास्ते पर, जब एहसास हो जाए वापस लौटना है, लौटने वाला, इसलिए क्या कहा, फअम्मा मन ताबा, जो वापस लौट आया, वह आमना और ईमान लाया, वह आमिला सालिहन और नेक अमल करता रहा, काफ़ासा अन यकूना मिनल मुफ्लिहीन, तो उसके बारे में उम्मीद की जा सकती है कि वो कामयाबों में से है, इतने गुनाह करके भी वापस लौटा और फिर अपने ईमान को सही किया, अपने अमल को सही किया, इसके बारे में उम्मीद है, नाउम्मीदी नहीं है, उम्मीद छोड़ो मत, कहा कि उम्मीद की जा सकती है इसके बारे में कि ये कामयाब लोगों में से हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब लोगों में से बनाए, और ज़िंदगी के किसी भी मरहले में हम हों, कितनी भी गलतियां हों, अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए, और कभी अपने मकसद को छोड़ना नहीं चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए अब मेरे से नहीं हो सकता, मैं सुधर नहीं सकता, अब जैसा है चलते रहो, नहीं, बल्कि हमेशा इस तड़प में और कोशिश में और फिक्र में रहना चाहिए, मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे अल्लाह की मीज़ान में अल्लाह की तराजू में मुझको कामयाब होना है, मुझे आखिरत में हश्र के मैदान में मुझको कामयाब होना है। दुनिया की कामयाबी कामयाबी ठीक है, थोड़ी मोड़ी पसंद आ गई नहीं आई छोड़ दो उसको, यहाँ जी लेंगे कैसा भी, असल कामयाबी कौन सी है, आखिरत की, अल्लाह यहाँ जिस हाल में रखे आदमी रहे, लेकिन असल क्या है, आखिरत, उसकी तैयारी भूलना नहीं, उसकी तैयारी छोड़ना नहीं। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाएँ, और अपनी और दूसरों की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाएँ। अकुल हादा वस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम।